अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के मदरसा और संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। तो इसका आपको लाभ किस तरीके से उठाना है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देख सकते हैं NMMSS नई स्कॉलरशिप, यानी कि इसमें मदरसा और संस्कृत दोनों के स्टूडेंट्स को हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। तो आपको इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं, जनरल वाले OBC वाले क्या भर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि इसमें सभी लोग फॉर्म को भर सकते, जनरल हों, OBC हों, SC ST सब फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही ये बात बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं NMMSS एकेडमिक 2023 और 2024 के लिए फॉर्म को भरा जा रहा। आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्म को नहीं भर सकते। चलिए पहले आपको इसमें जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य के अराजकीय राजकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर, यानी कि इन सभी स्कूल को छोड़कर सभी के स्टूडेंट को 1,000 रुपया दिया जाएगा स्कॉलरशिप। यहां पे बताया जा रहा है कि मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय यानी कि मदरसा एवं संस्कृत कक्षा 8 से लेकर, यहाँ पर आप देख सकते इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि कक्षा 8 से लेकर सभी छात्र को 12 तक आपको जो है 1,000 रुपया दिया जाएगा। अल्पसंख्यक में आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम भी आते हैं, हर तरीके के रिलीजियन आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदरसा एवं संस्कृत, अब कैसे 8 क्लास तो बोलते हैं वस्तानिया को, अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वस्तानिया के बच्चे को 1,000 रुपया दिया जाएगा मौलवी क्लास तक। यानी कि अगर आप संस्कृत विद्यालय में है 8 क्लास में है तो आप इसका फॉर्म को आपको हर हाल में भरना है। अगर आप बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने 7th क्लास पास कर लिया, अब 8 क्लास में आए, तो आपको इसका फॉर्म को भरना है। वास्तानिया कैंडिडेट को हर हाल में फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे कि छात्र आवेदन कर सकते हैं, छात्र 55% यानी कि उनकी जो होनी चाहिए कम से कम हाजिरी होनी चाहिए, अटेंडेंस 55% हर हाल में ज़रूरी है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से अगर आप आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा, यानी कि आपके अटेंडेंस कम से कम आपको 55% होना चाहिए तब जाके आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद अब क्या होगा कि इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देख सकते हैं एग्ज़ाम जो होगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी 90 की पूर्णांक 90 रहेगा, सामान के लिए 90 मिनट आपको मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है कि इसमें से आपको 40% से ज़्यादा आपको अंक प्राप्त करना है तब जाके आपको हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया पूरा गया है कि आपको किस तरीके से चयन किया जाएगा, इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मदरसे या फिर कौन कौन से स्कूल, कैसे आपको अपना स्कूल या फिर मदरसे को देखना। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल क्रोम पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने का पर के बाद आपको गूगल क्रोम या फिर गूगल पे आपको पेस्ट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS एग्जामिनेशन एकेडमिक 2023 के लिए। अब यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम, आप कौन कौन सा स्कूल या फिर मदरसा जो अप्रूव्ड है, तो यहाँ से जाके आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिंक यहाँ पर मिल रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक मर्तबा अपना स्कूल या फिर मदरसा जो अप्रूव्ड है उसको आप एक मर्तबा ज़रूर यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे काफ़ी मदरसा सभी का नाम है। तो इस तरीके से क्योंकि इसमें देख सकते हैं इसमें मदरसा और संस्कृत दोनों के बच्चों को, स्टूडेंट को 12 तक 1,000 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक मर्तबा चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको खुद मोबाइल से इसका फॉर्म को भरवा देना। इसमें
किसी तरह का कोई भी हार्ड आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, हल्का एग्ज़ाम होगा। इसमें आप आराम से क्वालिफाइड करने के बाद आपको डायरेक्ट 12 तक आपको 1,000 रुपया दिएगा। वस्तानिया कैंडिडेट इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। अब यहाँ पे इसको बैक आ देना। अगर आपको खुद से भी फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करके वो भी आपको बताता हूँ। क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है स्विच योर, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है, बट अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता है कि किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप रजिस्ट्रेशन करना। तो आपको अगर आपके नज़दीकी पास साइबर कैफ़े है तो वहाँ से जाकर आपको इस लिंक के थ्रू आप वहाँ से जाकर फॉर्म को भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाने में किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक मरतबा अपना मदरसा इंस्टीट्यूट आपको स्कूल ज़रूर एक मरतबा देख लेना। तो इस तरीके से बिहार के संस्कृत के स्टूडेंट या फिर बिहार मदरसा के स्टूडेंट्स या फिर बिहार स्कूल के स्टूडेंट सभी को 1,000 रुपया बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसका आपको फॉर्म को ज़रूर भरना है। आसानी के साथ फॉर्म को भर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू फॉर्म को भरवा सकते हैं 2023 और 24 के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, आपको जानकारी मिली, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।